पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाल दिवस कार्यक्रम मनाया। टीकमगढ़ शहर के भगवान महावीर बाल स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर अपने प्यारे नेहरू चाचा को याद कर स्कूल के छात्राओं ने बड़े ही हर्षोल्लास से बाल दिवस कार्यक्रम मनाया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाए। जहाँ बच्चों में उत्साह नजर आ रहा था, अलग अलग काउंटर से कोई बच्चा गरम गरम चाय पिलाता नजर आए, तो कहीं खट्टे मीठे पानी के गोलगप्पे, तो कहीं गरम गरम भजिया समोसे चाउमीन खिलाते नजर आए। जहां अभिभावक व स्कूल प्रबंधन व शिक्षकों ने खरीदारी कर छोटे छोटे बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए स्वादिष्ट व्यंजनों का लुफ्त उठाया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। क्या नाम तुम्हारा? आज किस चीज का स्टॉल लगा? आलू अंडे और गेहूं। कैसा लग रहा है ये बाल मेला लगा है? कैसा आपको लग रहा है? स्कूल की ठीक व्यवस्था है? क्या नाम आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? आज क्या कार्यक्रम रखा गया? आज बच्चों के लिए बाल मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने उत्साह भाग लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ बच्चों का उत्साह हो रहा है और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी इसमें एंजॉय कर रहे हैं। टीचरों का पूरा सहयोग है, सारे क्लास टीचर उसमें बच्चों का सहयोग। क्या कैसी व्यवस्था है शाला की? यहाँ पर बच्चों के लिए, जो बच्चों को आजकल पसंद है, वही सारे उनको दिए जा रहे हैं। और साथ में समोसे चाउमीन जो फास्ट फूड बच्चे आजकल पसंद कर रहे हैं अधिकांश को, तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के बारे में जान लें, सेहत का ध्यान रखें, इसलिए बच्चों को हेल्दी फूड भी उन्होंने रखे हुए हैं। जिसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए का मौका मिला है। हमारे स्कूल के हर प्रोग्राम में सभी बच्चे बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए कुछ बच्चे धूप में भी लगे हैं, तो धूप में भी स्टॉल लगाए हुए हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हुई आपके शाला में इनको छाए में? सुबह के टाइम उतना मौसम सही था, उतना नहीं था, इतना ठीक है। तो आज बाल मेला लगा है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कुछ व्यंजन ऐसे भी होंगे डेंटिस्ट है सर, तो आपने इनको क्या सर लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं खाद्य सामग्री में जो बच्चों को खाना चाहिए? सबसे पहले मैं आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर उनको सतत नमन करता हूँ। और उनका जो प्यार है बच्चों के प्रति, आज उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर बाल संस्कार केंद्र में भी इसका हम प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बच्चों के द्वारा उनका जन्म दिवस हम सब मिलकर मनाते हैं। इसी तारतम्य में यहाँ पर एक बाल मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने अपने हाथ से निर्मित बहुत सारे पकवान, मिठाइयाँ और खाने की चीज़ें यहाँ पर स्टॉल के रूप में व्यवस्थित की हैं। और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर प्रिंसिपल के द्वारा देखा गया है। यहाँ पर प्रत्येक स्टॉल पर एक टीचर्स की नियुक्ति की गई है, ताकि वो उन बच्चों को मार्गदर्शित करें, निर्देशित करें और उनको समझाए कि किस तरह अपने को बातचीत करना चाहिए, कैसे हमें वार्तालाप करना है जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है, डस्टबिन में ही अपने को कचरे को फैलाना है। और जहाँ तक रही बात खाने पीने के सामान की, तो मैं ये मानता हूँ कि फास्ट फूड आज के समय में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। बाकी सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छी तरह से इस उत्सव को मनाएं। धन्यवाद। सर बताएं, जो आज जो कार्यक्रम रखा गया, क्या है कार्यक्रम की? इस कार्यक्रम की थीम रखी गई है बाल मेला, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाल दिवस पर मनाया जा रहा है, पूरे शहर में मनाया जा रहा है। इसलिए हमने इसको विशेष रूप से बहुत विशेष आयोजन किया। जिस तरीके से शहर में मेला भरते हैं, उसी तरीके से शहर के लोगों को, गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया है, वो वहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर बच्चों के द्वारा गोलगप्पे खाए, रसमलाई ली, किसी ने चाउमीन खाया,
बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी हेल्दी फूड्स लिए, उन्होंने बहुत तारीफ की, उन्होंने कहा बहुत अच्छा आयोजन किया है महावीर बाल संस्कार केंद्र ने, बहुत खुशी हुई। मेरा नाम अंशुल जैन है। क्या लगता है आपको बाल मेला जो आज बच्चों ने कार्यक्रम, बाल मेला इससे हमारे बच्चे पूरे प्रतिभा से उत्साहित रहते हैं, और जैसे कि चाचा नेहरू के जो उद्देश्य थे बालकों को उत्साह वर्धन करने के लिए, तो हमारे सभी बच्चे इनका उत्साह वर्धन और हमारे सभी बच्चों का उत्साह वर्धन, हमारी संस्था लगातार इसमें लगी हुई है जिससे हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन बना रहे। सर बताएं जो आज व्यवस्था, क्या व्यवस्था रही बाल मेला बच्चों के लिए? बाल मेला रखा गया है बच्चों द्वारा, बच्चों के लिए किस प्रकार से उनका लेन देन किया जाए, किस हिसाब से कार्य किया जाए, बच्चों को प्रोत्साहन हेतु ये कार्यक्रम रखा। लगभग कितने बच्चों ने भागीदारी? यहाँ पर 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बाकी अदर्स स्टूडेंट्स यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या व्यवस्थाएँ हैं सर यहाँ बच्चों को लेकर? व्यवस्थाएँ आप लोगों ने देख ली है, प्रत्येक स्टॉल पर हर क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, साथ में क्लास टीचर का हर स्टॉल के लिए सपोर्ट मिला हुआ है। सर बताएं आज जो कार्यक्रम रखा गया क्या कैसा कार्यक्रम है जी? चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर बच्चों से चाचा नेहरू का अत्यंत स्नेह होने के कारण ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बच्चों द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री, फुल्की, चाट पकौड़ी, समोसे एवं अन्य खाद्य सामग्री बना के, भेलपूरी वगैरह सभी लोगों को सर्व की है, उन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान हो सके कि किस तरह से व्यापार किया जाता है, किस तरह से सामग्री बेची जाती है। ये छोटे छोटे ट्रिप्स के माध्यम से बच्चों को ये देना, संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से आगे कभी व्यापार करने की जरूरत पड़े तो वो कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।